हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कुर्ती काटने के लिए कपड़े को कैसे बिछाएं। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत सीखने वाली बात है। वैसे तो बहुत तरीके रहते हैं कुर्ती काटने के लिए, कपड़ा बिछाने के, पर मैं आपको उनमें से कुछ एक बताऊंगी जो सबसे ईजी है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलती हूँ आपको कि ये जो एपिसोड नंबर 2 है थोड़ा सा लेट हो गया है। और अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो वो आप जल्दी से देख लीजिए, और उसी के बाद ही आप एपिसोड नंबर 2 देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एपिसोड 1 के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ, जो आप नए अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो ये जो मेरा चैनल है स्पेशल बिगनर्स के लिए है, और इस चैनल पर मैं आपको उसी तरीके से सिखाती हूँ जैसे मैंने खुद ने सिलाई सीखी है, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखा रहे हो, तो हमें इस तरीके से नहीं सीखना है, तो आपको अगर एडवांस लेवल पर सीखना है तो मेरा एक और चैनल है नूर फैशन वर्ल्ड, आप उस पर जाके देख सकते हैं। उस पर भी मैंने एडवांस लेवल की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कपड़ा है, जैसे मार्केट से मैं लेके आई हूँ उसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैं लेके आई हूँ, और मुझे पता था कि मुझे कितनी लंबाई बनानी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये कपड़ा लेके आई हूँ। 2.5 मीटर, मतलब कि मुझे जो लेंथ रखनी है सूट की वो 44 या 45 इसी के अंदर होनी चाहिए, तो ये मैं 2.5 मीटर कपड़ा लेके आई हूँ। पर अगर आपको लेंथ शॉर्ट चाहिए, जैसे कि 40 के अंदर ही चाहिए, 38 या 39, तो आपका 2 मीटर में भी हो जाएगा। तो ये मैं कपड़ा सबसे पहले खोल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से कपड़ा मैंने रख दिया है पूरा, और ये 4 फोल्ड पे पड़ा हुआ है इस तरीके से, जैसे अपन लेते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये लंबाई होती है, तो ये पूरा 2.5 मीटर का कपड़ा है। और फ्रेंड्स, एक बात जो बहुत ही समझने वाली बात है, जो कि बिगिनर्स बहुत गलती करते हैं उस चीज़ पर, कि आप ये जो देख रहे होंगे डिज़ाइन, ये जो बूटे इस तरीके से बने हुए हैं, वैसे तो ये इस तरीके से बने हुए हैं, एक सीधा एक उल्टा, पर कई बार क्या होता है कि इस तरीके से सीधे ऊपर को जाते हैं, तो इस तरीके से जो ये वाला पीस होता है यहाँ पर नीचे उतरते हैं, तो ये गलती हो जाती है कि जब भी हम बैक फ्रंट का बनाते हैं तो फ्रंट वाले तो सीधे होते हैं पर बैक वाले नीचे चले जाते हैं बूटे। तो इस बात का आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंटर से कटिंग करके और जो नीचे वाला कपड़ा है उसको इस तरीके से रखना है जैसे कि ये पड़ा हुआ है। तो ये बात है समझने वाली। तो चलिए हम मेजरमेंट देख लेते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, ये है मेजरमेंट जो कि मैंने एपिसोड नंबर 1 में बताया था आपको मेजरमेंट। तो ये एपिसोड नंबर 2 है कि कपड़े को आप किस तरीके से बिछाएं कुर्ती काटने के लिए। तो इसमें मैं आज कुर्ती कटिंग नहीं बताऊंगी, तो इस मेजरमेंट की हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो कि सबसे बड़ा नाप है हमारा, वो है हिप का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्रेस्ट का 11 है, जो वेस्ट है हमारी कमर उसका 10 है, और जो हिप है हमारा 12 है। तो हमें सिर्फ यही वाला भी मेजरमेंट चाहिए कपड़ा बिछाने के लिए। तो ये जो हमारा 12 है इसमें हम 2+ करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा बिछाना है। तो इसको मैं साइड में रख लेती हूँ, और आपको जो है इन तीनों में से जो भी नाप आपका सबसे बड़ा है वो लेना है। तो मेरा ये हिप का नाप सबसे बड़ा है तो मैं ये वाला लूँगी। तो ये 4 फोल्ड में कपड़ा है अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उल्टा करना है। आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि कपड़े को उल्टे करके निशान लगाने हैं। तो ये जो कपड़ा है मैं इस तरीके से खोल लेती हूँ आपको अच्छे से दिख भी जाए, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट आते हैं मैम जैसे कपड़ा लाते हैं उसी तरीके से आप बताएँ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता होती ये बात। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको उल्टा, तो उल्टा इस तरीके से है ये, और ये लंबा है, लंबाई है, ये किनारी वाली जो साइड होती है, दोनों साइड पर जो किनारी होती है वो लंबाई होती है, और ये चौड़ाई होती है। तो सबसे पहले हमने, जैसे कि मैंने आपको बोला था 12 में 2 इंच+ करना है, तो 14 हो गया, तो 14 हम इसमें ले लेते हैं। किस तरीके से लेना है मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हमें निशान लगाने हैं
तो यहाँ से 14 लेना है हमें, यहाँ से 14 ले लिया और पूरी लंबाई में हमें इसी तरीके से 14 लेके चलना है, 14 इंच। तो मैंने ये पूरा लंबाई में इस तरीके से गैपिंग छोड़ छोड़ के निशान लगा लिए 14 इंच पर। अब मैं ये निशानों को इस तरीके से पकड़ के और बिल्कुल सीधा बिछाऊंगी कपड़े को। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मैं ये वाला कोना पकड़ूंगी और ये वाला कोना पकड़ूंगी और इसको फोल्ड कर दूंगी 4 फोल्ड पे। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमारा कपड़ा आ गया है, ये आप देख रहे होंगे जितना मुझे कपड़ा चाहिए था मैंने उतना ही बिछा लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 2.5 मीटर है, तो इसमें मैं अपनी लेंथ देख लेती हूँ कितनी बन जाएगी। तो ये है 45, तो इसमें जो हमारी लेंथ है वो 44 बन जाएगी हमारी और 1 इंच हमारा फोल्डिंग का रह जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बात तो इस बात का ध्यान रखें कि कई बार हम क्या करते हैं इस तरीके से यहाँ से पूरा फोल्ड लेते हैं और निशान लगाते हैं कुर्तियों के, तो इस तरीके से आप ना करें। आप इस तरीके से रखें 2 फोल्ड, इस तरीके से आपको रखना है। और जो ये हमारा ये वाला कपड़ा हमारा बच गया है इसको हम कट करके हटा देते हैं। तो चलिए इसको हटा लेते हैं और एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ कि जितना मैंने लिया था उतना ही कपड़ा है या नहीं। तो ये थोड़ा सा कम आ रहा है मेरा, मतलब कि जैसे कि मैंने 14 इंच नापा था तो ये 13.5 है, तो ये आपको पहले ही देख लेना है और इसको मैं फिर एडजस्ट कर लूँगी अच्छे से। तो ये हो जाएगा पूरा आ रहा है, तो इस वाले जो कपड़ा है हमारा इसको काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमारा जो कपड़ा है वो बच गया है। तो ये वाला जो कपड़ा है वो हमें स्लीव्स में काम आएगा, नेक बनाने में काम आएगा, तो इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमें जितना हमें कपड़ा चाहिए था उतना हमें ये मिल चुका है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करके आपको क्रीज बनानी है अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये जो क्रीज रहती है सेंटर की हमें बहुत काम आती है, जैसे कि नेक बनाने में भी हमें काम आती है और जब हम साइड की फिटिंग देते हैं तो उसमें भी ये जो सेंटर की लाइन है हमें बहुत काम आती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, सिर्फ मैंने यही बताने के लिए जो है वीडियो बनाई थी कि कपड़े को कैसे बिछाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कुर्ती की कटिंग, निशान लगाऊंगी अच्छे से कुर्ती के। तो फ्रेंड्स ये था कि कुर्ती का कपड़ा किस तरीके से बिछाएं। नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो एपिसोड नंबर 3 रहेगा उसमें मैं कुर्ती की कटिंग बताऊंगी प्रॉपर। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।